Hello friend, this is Hanuman Kumar and you are watching my YouTube channel Education Empowers. I hope data file handling की जो वीडियो मैंने अब तक अपलोड की हैं वो आप अच्छी तरह से उनको देख रहे हैं और वो आपको अच्छी तरह से समझ आ रही हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको CBSE 12th क्लास के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन की थी और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि फाइल में से कितने लेटर हैं, कितने वर्ड हैं, कितनी स्पेसेस, डिजिट और कितनी लाइंस हैं और स्पेसिफिक लेंथ ऑफ वर्ड्स को काउंट करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं जो CBSE में क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं. तो आई होप वो आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको देख लीजिए क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करेंगे जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेंगी. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक फाइल से दूसरी फाइल में डाटा कॉपी कैसे करते हैं, किसी वर्ड को फाइल में से डिलीट कैसे करते हैं और अपडेट कैसे करते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. तो मैं अपना आइडियली ओपन कर लेता हूं. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी कैसे करते हैं. तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम कोड कर रखा है. तो सबसे पहले इम्पोर्ट OS, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है, इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी. तो यहाँ पे मैं बेसिक कंसेप्ट जो यूज़ करने वाला हूँ मैं पहले उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. करना क्या है, मैं एक फाइल का डाटा, सपोज मेरे पास जो भी फाइल है मैं उस फाइल को पहले ओपन कर लेता हूँ. तो यहाँ पे देखिए मेरे पास abc1.txt है. अब मेरा कंसेप्ट क्या है, मैं इस फाइल का सारा डाटा जो है रीड फंक्शन के द्वारा रीड कर लूँगा क्योंकि रीड को अगर हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते तो वो सारी फाइल को रीड कर लेता है. और ऐसे ही मैं क्या करूँगा, टेम्परेरी फाइल बना लूँगा, एक टेम्परेरी फाइल बना के उसमें सारा डाटा राइट कर दूँगा. इस तरीके से मेरा जो डाटा है एक फाइल से दूसरी फाइल में मूव हो जाएगा. तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को ध्यान से समझिए क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है. तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फाइल, जिस फाइल का डाटा मैं किसी और फाइल में कॉपी करना चाहता हूं, उसको मैंने रीड मोड में ओपन किया और दूसरी फाइल को मैंने राइट मोड में ओपन किया. तो जो रीड मोड में abc1 जिसका डाटा कॉपी करना है उसका कंट्रोल fn के पास है, तो मैंने fn के थ्रू मैंने सारा डाटा रीड करके इसमें स्टोर कर लिया, डाटा में स्टोर कर लिया. अब डाटा के पास पूरी की पूरी फाइल का जो भी डाटा पड़ा है वो सारा है. उसके बाद मैंने क्या किया, जो append के पास जिसका कंट्रोल था temp.txt जिसमें मैं कॉपी करना चाहता हूँ अपने कॉन्टेंट, तो राइट फंक्शन के थ्रू वो सारे का सारा डाटा उसमें ऐड कर दिया, राइट कर दिया फुली. उसके बाद मैंने एक मैसेज दिया, डाटा कॉपीड सक्सेसफुली, और दोनों फाइल को बंद कर दिया. तो आइए इसको रन करके देखते हैं, डाटा कॉपीड सक्सेसफुली, ये मेरे को मैसेज आ गया. अब मैं उसी लोकेशन पे जाता हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार फाइल, और जिस फाइल को मैं ओपन कर रहा था ये फाइल है मेरी जिसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ. अब टेम्प की यहाँ पर कोई फाइल नहीं है तो मैं इसको फिर एक बार रन करता हूँ, F5. तो डाटा कॉपीड सक्सेसफुली. तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और temp.txt, देखिए दोनों फाइल्स में मेरा जो डाटा है वो सेम है, डन. तो इस तरीके से हम एक फाइल से दूसरी फाइल में डाटा को कॉपी कर सकते हैं. तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है मेरे पास, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ. डन. नेक्स्ट जो है मेरे पास प्रोग्राम, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्पेसिफिक वर्ड को डिलीट कैसे करते हैं. तो इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि फाइल में से किसी स्पेसिफिक वर्ड को डिलीट कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से इज को डिलीट करना है, तो ये प्रोग्राम है. यहाँ पे क्या है, वही मैंने एक फाइल को रीड मोड में ओपन किया, एक फाइल को राइट मोड में ओपन किया, वही मैं पेस्ट करूँगा जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में किया था कि एक फाइल का डाटा उठा के दूसरी फाइल में पेस्ट किया, मतलब कि राइट किया, एक से रीड किया दूसरे में राइट किया. तो वही कंसेप्ट यूज़ करते हुए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे. तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसको मैंने एंटर करवाया, ये कंसेप्ट आपने किया हुआ है. यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं जो रीड फाइल जिसमें से डाटा रीड हो रहा है अगर लूप को पास कर दूँ तो वो लाइन बाय लाइन डाटा उठाता है. इसके बाद इसने क्या किया, तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, जो लाइन इसके पास आई है उसको क्या करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देता है. तो ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो लास्ट वीडियो जो अपलोड किया उसको पहले देख लीजिए. उसके बाद फॉर वर्ड इन लिस्ट, तो लिस्ट का जो एक एक एलिमेंट है वो वर्ड को मिलता जाएगा. अब जो वर्ड है, तो यहाँ पे मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ. अब ये पूरी की पूरी लाइन किसके पास आएगी, लाइन के पास आएगी, इस वेरिएबल के पास आएगी पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट अप टू सो ऑन, और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे. लिस्ट में मतलब कि एक एक एलिमेंट लिस्ट का पार्ट होगा, ये सेकेंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट,
उसके बाद उसी लिस्ट को मैंने क्या कर दिया, लूप में इटरेट करवा दिया, तो वर्ड के पास क्या आएगा, आई होप आपको लिस्ट अच्छी तरह से आती होंगी, तो पहले उसके पास ही आएगा, उसके बाद इज आएगा, फिर उसके बाद इंटेलिजेंट आएगा। अब मैं उसी को कंपेयर कर रहा हूँ, जो स्ट्रिंग मैंने ऊपर इनपुट करवाई है जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसको कंपेयर कर रहा हूँ जो एक एक वर्ड मेरे पास आ रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास ही आएगा, सपोज मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या है, ही है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया और ये एल्स में जाके क्या करेगा, एफोर्ट डॉट राइट वर्ड, वर्ड के पास क्या है, वर्ड के पास ही है, तो ही उसने क्या कर दिया टेम्प डॉट टी एक्स टी में, एफोर्ट के पास किसका कंट्रोल है, टेम्प डॉट टी एक्स टी का, तो एफोर्ट ने क्या कर दिया वो जो ही है उसको temp.txt में पेस्ट कर दिया। उसी के साथ मैं एक स्पेस भी कंकैट करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पेसेस भी हैं वर्ड्स के बीच में, तो ये जरूरी है, इसको भी करिए। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल किया हुआ फिर ऊपर गया, उसके बाद उसको नेक्स्ट क्या मिला, इज मिला, इज मिलने के बाद उसने यहाँ पे वर्ड क्या है हमारा इज और स्ट्रिंग क्या है इज, ये कंपेयर हो गई। पास, पास एक क्या है एम्प्टी स्टेटमेंट है जो क्या करती है, कुछ नहीं करती, एम्प्टी है। यहाँ से कंट्रोल फिर ऊपर जाएगा और उसके बाद इसको इंटेलिजेंट मिला, इसके बाद ये भी फॉल्स हुआ। तो ऐसे करते हुए ये तीनों जो लाइन के जितने भी वर्ड होंगे, यहाँ पे तीन वर्ड हैं, जितने भी वर्ड्स होंगे लाइन के वो सारे वन बाय वन मैच होते जाएंगे और अगर इज है तो उसको वो राइट नहीं करेगा, अगर इज के अलावा कोई वर्ड है तो उसको वो फाइल में राइट कर देगा। उसके बाद जैसे ही एक लाइन खत्म होती है तो ये लूप के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ये वाली है, तो ये क्या करेगी, तो टेम्प डॉट टी एक्स टी फाइल में नेक्स्ट लाइन बना देगी, फाइल हैंडल को यहाँ पे सेट कर देगी, टेक्स्ट डॉट टेम्प डॉट टी एक्स टी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद ये फिर से कहाँ पे चला गया, नेक्स्ट लाइन उठाने के लिए चला गया, नेक्स्ट लाइन इसने रीड की, कौन सी सी इज अ ब्यूटीफुल, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। उसके बाद क्या है, सारी की सारी फाइल रीड करेगा लाइन बाय लाइन और उसमें जब उसको इस वर्ड मिलता है तो उसको राइट नहीं करेगा, बाकी सारे वर्ड्स को उसमें टेम्प डॉट टी एक्स टी में राइट करेगा। इसके बाद मैं दोनों फाइल को क्लोज कर देता हूँ जैसे ही मेरा वर्किंग खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ओ एस डॉट रिमूव मैंने किया है ये क्या करेगा, ये ए बी सी डॉट वन की फाइल को डिलीट कर देगा क्योंकि इसकी हमें अब जरूरत नहीं है। और मैं क्यों इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो टेम डॉट टी एक्स टी है उसी को रीनेम कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस रीनेम फंक्शन ए बी सी वन डॉट टी एक्स टी। इस तरीके से हमने इनडायरेक्टली क्या कर दिया, जो वर्ड हम डिलीट करना चाहते थे वो डिलीट हो गए ए बी सी डॉट वन से। तो यहाँ पे रीनेम क्या करेगा, टेम डॉट टी एक्स टी को ए बी सी डॉट टी एक्स टी बना देगा। तो आइए देखते हैं, फिर से मैं ये खोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए टेम्प का कोई भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ए बी सी में मेरे ये डाटा पड़ा हुआ है। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो मैं यहाँ से इज को डिलीट करना चाहता हूँ, तो देखिए फिर से मैं इसको अब बंद करना पड़ेगा मेरे को, इसके इफेक्ट इसके चेंजेस को देखने के लिए मैं फिर से यहाँ पे देखिए इज जो है वो डिलीट हो चुका है। तो इसके बाद आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ चुका है। तो नेक्स्ट के प्रोग्राम में मैं आपको किसी स्पेसिफिक वर्ड को अपडेट करना सिखाऊंगा। बेसिक कंसेप्ट जो है डिलीट वाला ही है, सारे का सारा कंसेप्ट डिलीट वाला ही है, इसमें दो या तीन स्टेटमेंट्स चेंज होंगे। ये ओल्ड में हम वो वर्ड एंटर करेंगे जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं और ये न्यू में हम वो वर्ड एंटर करेंगे जो हमें नया वर्ड उसमें ऐड करना है। तो उसके बाद फिर वही कंसेप्ट यहाँ पे, जहाँ पे हमने लास्ट प्रोग्राम में, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट प्रोग्राम जिसमें हमने डिलीट किया था स्पेसिफिक वर्ड को सेम है, क्योंकि सारे का सारा प्रोग्राम सेम ही है। यहाँ पे होता क्या है, पास की बजाय हम क्या कर देते हैं, जो नया वर्ड है वो लिख देते हैं, अपाउट डॉट राइट न्यू, जो हमने नया वर्ड है जब ये मैच हो जाता है दोनों वर्ड, ओल्ड वर्ड और जो हमारा फाइल में से वन बाय वन वर्ड रीड हो रहा है वो जब दोनों मैच हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं नया वर्ड लिख देते हैं उसकी जगह पे, और उसके बाद क्या है अदरवाइज हम क्या करते हैं पुराने ही वर्ड रहते हैं। तो मैं एक बार फिर से उसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ए बी सी वन डॉट टी एक्स टी की फाइल है। सपोज मैंने इज को वर्ड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले ये लाइन मिलेगी उसको, लाइन को ये ब्रेकआउट करके लिस्ट में बना देगा, इसके तीन एलिमेंट बन जाएंगे। उसके बाद वन बाय वन एलिमेंट को हम ट्रैवर्स करेंगे जो वर्ड में स्टोर होते जाएंगे। मैं यहाँ पे प्रोग्राम भी ओपन कर लेता हूँ, तो उसके बाद क्या होगा, ही मिलेगा, हम इसको चेंज करना चाहते हैं वर्ड से, तो यहाँ पे ही वर्ड के साथ मैच नहीं होगा, तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज मिलेगा, इज मैच हो जाएगा, तो हमने क्या किया वर्ड्स को राइट कर दिया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी इस केस में और ये क्या कर देगी राइट कर देगी। तो हम उसके बाद क्या है, फाइल को क्लोज किया और वही कंसेप्ट abc1.txt को डिलीट किया और temp.txt को abc1.txt में रीनेम कर दिया। तो इसको रन करता हूँ और देखिए मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ, इज को वॉज में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, डन। और इसके बाद यहाँ पे मैं फिर से abc1 डॉट
टीएक्सटी को ओपन करता हूँ तो देखिए जितने भी मेरे इज थे वो सारे वोज में कन्वर्ट हो चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं। तो इसको हम एक इजी प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये जो प्रोसीजर है इसी को फॉलो करें। इससे अच्छा एक फंक्शन के थ्रू भी है, वो भी बहुत इजी है, तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये सारा कंसेप्ट वही है, सेम है। मैं इसमें फाइल को ओपन किया रीड मोड में, यहाँ पे वहाँ पे क्या था, दो फाइल को यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैं सिंगल फाइल को यूज़ कर रहा हूँ और पाइथन के फंक्शंस की हेल्प ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, फाइल को abc1.txt को रीड मोड में ओपन किया, ओल्ड वर्ड न्यू वर्ड दोनों मैंने एंटर कर लिए, जो अपडेट करना है जिसके द्वारा अपडेट करना है वो दोनों एंटर कर लिए, और उसके बाद मैंने क्या किया, रीड फंक्शन के थ्रू सारे का सारा डाटा करके रीड करके डाटा में डाल दिया। और डाटा इक्वल डाटा डॉट रिप्लेस, रिप्लेस एक फंक्शन है, दो पैरामीटर लेता है, एक एक फर्स्ट पैरामीटर जिसको रिप्लेस करना है और जिसके साथ रिप्लेस करना है वो वाला सेकंड पैरामीटर। उसके बाद मैंने append डॉट क्लोज किया और उसको रीड मोड में बंद कर दिया। उसके बाद मैंने सेम फाइल को राइट मोड में ओपन कर लिया, तो क्या किया, एफआउट डॉट राइट कर दिया डाटा। डाटा के पास पूरे का पूरा डाटा था जिसमें वर्ड जो है अपडेट हो चुके थे, जिसको हमने अपडेट करना था, और वो उसने सक्सेसफुली राइट कर दिया और डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आइए रन करते हैं इसको। तो मैं अब पहले फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ। तो फाइल में फिलहाल ये डाटा पड़ा है, तो यहाँ इज को मैं वॉज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, फिर से इसको ओपन करता हूँ इसके चेंजेस देखने के लिए। डन, देखिए इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, फाइल को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जो बेटर वे है वो क्या है, जो मैंने इससे पहले प्रोग्राम करवाया, क्योंकि हम लर्निंग प्रोसेस में हैं, हम सिंपल चीज़ें यूज़ नहीं करते, कॉम्प्लिकेट चीज़ें जो हैं यूज़ करके हम अपने जो प्रोग्रामिंग के स्किल्स हैं उसको बढ़ाते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। ये चीज़ें कभी मर्जी आप यूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर। सो आई होप आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने जितने भी प्रोग्राम एक्सप्लेन किए हैं, जैसे फाइल से फाइल को कॉपी करना और स्पेसिफिक वर्ड को डिलीट करना, अपडेट करना, आपको अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। और CBSE 12th कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और इससे पिछले वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप इन टच, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।